जय हिंद दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, और ऐसे में अब आपकी काउंसलिंग कब से होगी? आप में से कई सारे छात्रों का ये कमेंट आ रहा है, बार बार कॉल्स के माध्यम से पूछे जा रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब से होगा। तो इस वीडियो में काउंसलिंग का अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्रुप ई1 के टॉपर के बारे में जान लीजिए। ग्रुप ई1 में कुशीनगर के अतुल ने टॉप किया है, वह ग्रुप K1 में महाराजगंज के सूर्य प्रकाश अव्वल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये हैं हर ग्रुप के टॉपर। ग्रुप ए में रिया सिंह हैं, ये अलीगढ़ से हैं। उसके बाद में ग्रुप ई1 से देखिए, अतुल कुमार सिंह हैं, ये कुशीनगर से, इन्होंने टॉप किया है। चलिए सीधा काउंसलिंग पर बात करते हैं। तो यहाँ पर इसी आर्टिकल में हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि काउंसलिंग का शेड्यूल तय नहीं। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काउंसलिंग का शेड्यूल तय नहीं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिणाम तो जारी कर दिया गया है, लेकिन काउंसलिंग का शेड्यूल तय नहीं किया गया है। आम तौर पर क्या होता था, परिणाम जारी होने के अगले ही दिन से, जैसे मान लीजिए कि आपका 15 जुलाई को रिजल्ट जारी हुआ, या मान लीजिए कि 18 जुलाई को रिजल्ट जारी हुआ, तो आपका 19 जुलाई से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता था। लेकिन बताया जा रहा है कि विभिन्न शिक्षा बोर्डों के परीक्षा परिणामों की घोषणा में देरी होने से काउंसलिंग का कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। जैसे अभी आपके CBSE के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, और सारे जो बोर्ड्स हैं उनके कुछ के रिजल्ट्स नहीं घोषित किए हैं, तो ऐसे में क्या है, अभी काउंसलिंग का कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। विभाग के मुताबिक 15 अगस्त के बाद काउंसलिंग शुरू होगी। आपकी काउंसलिंग कब से शुरू होगी भैया? 15 अगस्त के बाद से काउंसलिंग शुरू होगी। कब से शुरू होगी? 15 अगस्त के बाद से काउंसलिंग शुरू होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव श्री राम रतन जी ने बताया कि काउंसलिंग शेड्यूल को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। काउंसलिंग 8 चरणों में ऑनलाइन होगी। उन्होंने बताया कि संस्थान की फीस भी काउंसलिंग के माध्यम से ही जमा होगी। आपकी जो फीस है वो काउंसलिंग के माध्यम से ही दिए गए लिंक पर अपना लॉग इन करके आप जमा करेंगे। उसके बाद में एक और अपडेट आप सभी के सामने आज के इस न्यूज़पेपर का है। ये जो अपडेट है ये कल के, यानी कि आपका 19 जुलाई के न्यूज़पेपर का अपडेट था। आज के पेपर का अपडेट है कि आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो लगभग 12 चरणों में होगा। ठीक है, लगभग 12 चरणों में होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद ही आपका काउंसलिंग होना है, और ये काउंसलिंग आपका लगभग विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आपका 12 चरणों में होगा। तो ये छोटा सा अपडेट था आप सभी के लिए। इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।